somewhere. अभी दिखाती हूँ मैं कहाँ हूँ. चलो इट्स 6:15 इन द मॉर्निंग एंड मैं हूँ यहाँ पे. ये जगह है कोलार, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस इन बैंगलोर और नियर बैंगलोर. यू कैन से आपको पीछे पहाड़ दिखेगा, आगे पहाड़ दिखेगा एंड ये CCDA कोलार का जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है. इट्स नॉट अनएक्सप्लोर्ड, बहुत ही फेमस है. स्टिल दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस. तो यहाँ पे अभी मैं अपना सुबह का कॉफ़ी पीने वाली हूँ एंड वहाँ से सनराइज़ ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी सनराइज़ हो गई है. बाद में उस माउंटेन में जाने वाली हूँ सुकून लेने के लिए एंड पूरी वीडियो ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सो लेट्स गो. सो मेरी सुबह की पहली कॉफ़ी. वैसे आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, बस CCDA ऐसा जगह है जो मुझे कॉफ़ी पिला देती है. एंड ये जगह पे आप मतलब जितना मन करे उतना रह सकते हो. ऑफकोर्स आपको कॉफ़ी पीना पड़ेगा उनकी, बट आप इस व्यू के लिए तो पे कर ही सकते हो. बस मेरा ये सुबह का पहला कॉफ़ी ट्राई करता है. परफेक्ट. चाहिए और चाहिए, भूख और लगी है, और लगी है भूख. गुड बॉय, गुड बॉय. इस प्लेस का मैं लिंक, इस प्लेस का लोकेशन का डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चेक कर सकते हो. एंड आई एम पक्का श्योर कि ये जगह आप लोग का भी फेवरेट हो जाएगा. बैंगलोर से ओनली 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो ये बहुत ही पास है और आप कभी भी आ सकते हो. आई थिंक ये 24 आवर्स खुला रहता है. दिस इज द बेस्ट पार्ट ये CCDA का. सो नाउ इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस क्योंकि हमें और जगह भी एक्सप्लोर करनी है. तो आई एम डन विथ माई कंटेंट. यहाँ पे मैंने कंटेंट आइडियाज़ डाल दिए हैं, लिख लिए हैं एंड अभी ना इट्स टाइम टू गो बैक. आई हर्ड कि यहाँ पे छोटा लद्दाख नाम का बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही पास में, ओनली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे. सो लेट्स एक्सप्लोर दैट प्लेस ऑल्सो. पे आपको बहुत सारे ब्रेकफास्ट के भी ऑप्शंस मिलेंगे. प्योर वेज स्वाति होटल करके है, तो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो. बट पहले हम जाएंगे छोटा लद्दाख, फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे. लेट्स गो. छोटा लद्दाख जिसको बोलते हैं. देखने में व्यू ये है एंड जो बहुत छोटा लद्दाख बहुत फेमस है वो लोकेशन है हमारा. वो मतलब आपको कुछ नहीं करना है. अच्छा, मैंने 2 किलोमीटर्स जो पहले बोला था वो ऐसा नहीं है. 9 किलोमीटर्स आपको लगेंगे. जस्ट गूगल मैप को फॉलो करना, आप एग्जैक्ट इस लोकेशन पे पहुंच जाओगे. तो पार्किंग पीछे ही था बट हम आगे आ गए हैं, तो एग्जैक्ट इस जगह पर आप पार्किंग डाल सकते हो. पार्किंग है यहाँ पे एंड कुछ तो खास तो नहीं है बट थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड, नॉट अनएक्सप्लोर्ड बट शांति वाला जगह है. आप आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो. बट ज़्यादा धूप में मत आना, अर्ली मॉर्निंग आना तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो इस जगह को. तो चलो देखते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे है क्या, जहाँ पे इतने सारे कुछ लोग दिख रहे हैं. रियली मुझे पिकॉक की आवाज़ सुनाई दे रही है. एंड इसका जो रास्ता है वो थोड़ा गांव से निकल के आता है, तो ऐसा नहीं लगे कि आप कहीं जा रहे हो, जस्ट गूगल मैप को फॉलो करो एंड आप यहाँ लोकेशन पर पहुँच जाओगे। तो चलो चलते। ओके यदि आपको घूमना है, बैंगलोर के नियर कुछ जगह जाना है तो आप सीसीडी आ सकते हो और सीसीडी के पास के बाद यहाँ आ सकते हो। बट आई हाईली रिकमेंड कि आप सुबह सुबह आओ, नहीं तो धूप में यहाँ पे आप जल जाओगे क्योंकि यहाँ पे कोई शेड नहीं है। चलो आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि और आगे क्या है। यहाँ से तो मुझे यही दिख रहा है एंड कुछ लोग भी दिख रहे हैं जो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से दिख रहा है जैसे कि मुझे। लेट्स सी। पिक्चर्स क्लिक करने के बाद मैं जा रही हूँ ऊपर से व्यू देखने, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्यू वहाँ से ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो आपको पता ही है कि मेरा पिक्चर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ है, जाके चेक कर। अच्छा जगह है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि जल्दी आना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम हो रहा है बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत भीड़ बढ़ रही है और धूप भी बढ़ रही है। बट स्टिल कोई थोड़ी वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इट्स 7:30 और हमें अभी भी मून दिख रहा है वहाँ पे। व्यू इज रियली अमेजिंग एंड आई एम एंजॉयिंग दिस व्यू। यहाँ से बाद वहाँ पे एक व्यू दिख रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ जाके देखें कि व्यू कैसा दिखता है। तो मैं ये हूँ ऑल अलोन एंड ये है, ओह लग रहा है मैं डेजर्ट में हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे। I'm feeling like a solo traveler. भाई मेरी काला जूता वाइट हो जाने वाली है। डोंट बिलीव, सी ये वाइट हो गई है। बर्ड्स बोल रहे हैं यहाँ पे। लेट्स गो एंड देखते हैं कि वहाँ पे क्या दिखता है, वहाँ से व्यू कैसा दिखता है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ दिख रही है वो दिख रही है, वो अभी भी वो मून दिख रहा है। चलो चलते हैं। समझो, पब्लिक नॉट अलाउड, माइनिंग एंड ब्लास्टिंग जोन। ओके, गॉट इट। सो हम आगे नहीं जाएंगे, वी वेंट देयर एंड वहाँ से हमने व्यू देखा है। एंड ये है हमारा व्यू, इधर पूरी की पूरी बस है। पे लिखा था पब्लिक नॉट अलाउड, हम बहुत आगे नहीं जा रहे, बट थोड़ा आगे आने के बाद हमें ये व्यू दिख रहा है। एक्चुअली में यहाँ कोई है ही नहीं, मतलब कोई नहीं है, बस मैं हूँ। धूप ज़्यादा तेज हो इससे पहले इस जगह को देख के जल्दी निकल जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लगेगी यहाँ पे। एंड वहाँ पे है छोटा लद्दाख, जो हम नीचे से आए हैं, तो देखते हैं कि ऊपर से व्यू कैसा दिखता है। ऊपर का व्यू यहाँ से है, हमने सबसे ऊपर आके देखा तो यहाँ से ये व्यू दिखता है। पहाड़ पहाड़ पहाड़, अगेन पहाड़, एंड बीच में थोड़ा सा ऐसा पानी जैसा है, जो आई थिंक माइनिंग के लिए इन्होंने खोदा हुआ है, तो उसमें बस पानी आ चुका है, तो जिसको छोटा लद्दाख के नाम से फेमस हो गया। मैंने लद्दाख तो नहीं देखा है, छोटा लद्दाख आज देख लिया। ओके, व्यू अच्छा है, वन डे ट्रिप और हाफ, मतलब आप हाफ डे ट्रिप के लिए देखो, रिकमेंडेशन में ले सकते हो। थोड़ी देर बैठते हैं, फिर चलते हैं बैंगलोर वापस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आपको प्लेसेस की आइडियाज़ मिल गए होंगे मेरे वीडियोस के अकॉर्डिंग, मेरे वीडियो से। सो यदि अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो आप इस जगह के बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड इसका आपको कुछ नहीं है, मैं हमने जस्ट गूगल मैप फॉलो किया और हम इस लोकेशन पे पहुंच गए। इफ़ यू गाइज लाइक दिस व्लॉग, लाइक कमेंट कर देना, और आप यदि आए हो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मेरे नए वीडियो में नए लोकेशन पे कहाँ एक्सप्लोर करेंगे वो आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो अभी जाके वो बेल बटन को भी दबा देना, और नोटिफिकेशन के लिए कि नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो इट्स मी शिल्पी सुमन साइनिंग ऑफ, वी विल मीट यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।